अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 के साथ हमारे पास अगली एक्सरसाइज है 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सईद हैज 75 रुपीज़, ही गिव्स 20% ऑफ इट एज एम्स, व्हाट रिमेन्स विद हिम। टोटल अमाउंट है 75, एम्स हमारे पास 20% ऑफ 75, जैसे आप 7.1 में हल करके आए थे 20 को सिंपल मल्टीप्लाई करना है 75 से, और परसेंट एट के बटे में क्या आ जाएगा 100, 0 से कट गया, 2 1 2 2 5 10, 5 1 5 5 15 75, तो इसका आंसर आ गया 15 जो इसके अखराजात हुए हैं। रिमेनिंग अमाउंट कितने बन गए 75 में से 15 को लेस माइनस किया तो 60 हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखें। कोमल मेड अ सूट ऑफ 5.5 मीटर क्लोथ आउट ऑफ 44 मीटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लोथ डिड शी यूज फॉर द सूट। टोटल लेंथ कितनी है 44 मीटर। कोमल मेड अ सूट, कितने का सूट बनाती है 5.5 मीटर ऑफ आउट ऑफ 44। आउट ऑफ का वर्ड आया है तो इनको आपस में आप क्या करेंगे बटे में लिखेंगे 5.5 अवर 44 मल्टीप्लाई बाय 100। इस पॉइंट का रिमूव किया तो हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 11 के टेबल पे 11 5 जार 55, 11 4 जार 44। अब 2 जार 4, 2 5 जार 10, 5 से मल्टीप्लाई किया 25 अवर 2 आ गया, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे 2 के टेबल पे 25 को तो 12.5 हमारे पास परसेंटेज का आंसर आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 85% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल ऑफ 300 स्टूडेंट्स पास्ड एन एनुअल एग्जामिनेशन, हाउ मेनी ऑफ देम आर फेल। टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 300, परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट है 85, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ पास स्टूडेंट कितने बन गए 85% ऑफ 300। परसेंटेज ऑफ आया है तो ऑफ का मतलब है कि सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है 85 मल्टीप्लाई 300, परसेंटेज के बटे में क्या आ गया 100 के डबल जीरो से काट गया, 3 को जब मल्टीप्लाई किया 2 to 55 आ गया। नंबर ऑफ फेल 300 में सिंपल आप 2 to 55 को माइनस करेंगे तो 45 स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सना गोट 484 मार्क्स आउट ऑफ 550 मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ देयर मार्क्स, हर मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं 550, सना गॉट 484, परसेंटेज फाइंड करनी है। सिंपल आपने जो मार्क्स हासिल किए हैं उसको आपने ऊपर रखना है, जितने टोटल मार्क्स हैं उसको डिवाइड करना है मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से कट गया, 11 के टेबल पे 11 5 जार 55, 11 4 जार 44, 11 4 जार 44, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 44 को सिंपल 2 से मल्टीप्लाई किया तो 88 हमारे पास आंसर आ गया। आगे हमारे पास एक्सरसाइज है 7.3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। चांद बाट अ शर्ट फॉर 250 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 295, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 250, सेल प्राइस है 295, प्रॉफिट कितना बन गया 295 में से 250 को माइनस किया तो 45 हमारे पास प्रॉफिट बन गया। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट अवर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे कहते हैं, जिस चीज में आपने जिस रुपीज में चीज परचेज की हो मल्टीप्लाई बाय 100, 45 अवर 250 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से कट गया, 5 5 25 5 2 10, इसको सिंपल आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 2 18 आ गया, 18% हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। वलीद बॉट 1 dozen पेन्स फॉर 144 एंड सोल्ड ईच ऑफ देम फॉर 11 रुपीज़, फाइंड द लोस परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 dozen पेन 144, सेल प्राइस ऑफ 1 pen 11 रुपीज़, सेल प्राइस 1 dozen पेन 11 मल्टीप्लाई 12 132। लॉस कैसे फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस 144 में से 132 को माइनस किया, लॉस हमारे पास आ गया 12। लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, जैसे प्रॉफिट का फाइंड किया था लॉस अवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 12 लॉस हुआ है 12 आ गया, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 144 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 अवर 12 आ गया, इनको सिंपल आपने डिवाइड किया तो 8.33% इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेयर्स ऑफ शूज इज रुपीज 190 ईच, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ देम व्हेन द रिटेलर हैज अ टोटल गेन ऑफ 2875। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज 190, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेयर्स 190 को सिंपल आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 4750 रुपीज़ बन गया। प्रॉफिट कितना है हमारे पास जो उसने दिया हुआ 2875। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेयर ऑफ शूज, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस थी 4750 जमा प्रॉफिट था 2875, इनको आपने सिंपल आपने जमा किया तो 7625 बन गया। सेल प्राइस ऑफ ईच पेयर ऑफ शूज 7625 को सिंपल आपने 25 पे तकसीम करना है, क्योंकि 25 पेयर है तो एक पेयर की कीमत निकालने के लिए 25 पे तकसीम करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल आपके पास 305 इसका आंसर आ जाएगा। लेक्चर नंबर 3 इज अवर।